अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि एक बार तो आप वर्कआउट कर लेते हैं लेकिन आपके पास घर में बहुत ज़्यादा काम ना होने की वजह से दिन भर आपको बैठ के या लेट के या फ़ोन देखते हुए अपना टाइम बिताना पड़ता है बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं ऐसी लेडीज़ भी है जेंट्स भी हैं जो मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मैम इतना ज़्यादा घर का काम नहीं है हम एक्सरसाइज भी करते हैं जुम्बा करते हैं या हम वॉकिंग करने जाते हैं मतलब ऐसे बताते हैं कि एक एक घंटा करते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा हमारा फैट कम नहीं हो रहा है तो मैं उनको बताती हूँ कि घर का काम जो भी है अच्छे से किया करो मतलब उसमें पसीना आपका निकलेगा आपकी कैलोरी बर्न होगी तो वो बोलते हैं कि घर का काम तो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज तो करते ही हैं लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है तो आज मैं उनके लिए ही बताने वाली हूँ कि लेटे लेटे घर में भी अपने आप को फ्री मत छोड़ो कुछ ऐसे स्टेप है जो लेटे लेटे अगर आप फोन भी देख रहे हैं आप ऐसे पर्सन हो कि आपका जो टाइम है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोन में बिताना ही पड़ता है क्योंकि काम ही आपका ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो उस दौरान जिससे आपको मदद मिल सके अपने जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने में जो आपने कैलोरी खाई है उसको इजीली आप बर्न कर सके अपने बेड पे लेटे लेटे या अपने काउच पे सोफे पे लेटे लेटे ले। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को हेलो nutrition, फ्रेंड्स में सुमन चौहान सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फिटनेस ट्रेनर में आपका स्वागत है अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे एक्सरसाइज तो करनी है फैट कम भी करना है लेकिन एक्सरसाइज करूँ क्या कैसे करूँ कहाँ से शुरुआत करूँ क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वॉकिंग करने जाए आप एक एक घंटा वॉकिंग करें तो आप घर में ही सिर्फ उस टाइम आपको निकालना है और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि आप मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके और इजिली हजारों लोगों की तरह अपना फैट बर्न कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं जो लोग इतने ज़्यादा बिजी नहीं हैं अपने फोन पे लगे रहते हैं या फिर काम करते रहते हैं उनको अच्छा लगता है लेटना लेट के अपने फोन पे काम करना तो उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप लेके आई हूँ कि आप लेटे भी रहो तो भी आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा अब आप ये कहेंगे कि अच्छा हम एक घंटा जो वर्कआउट करके आते हैं जो जुम्बा करते हैं जो कार्डियो करते हैं जो वॉकिंग करके आते हैं जो जॉगिंग करके आते हैं तो उसका इफेक्ट दिन भर हमारी बॉडी पे क्यों नहीं हो रहा होता क्यों हमारा फैट बर्न नहीं होता तो मैं बताती हूँ अगर आप वॉकिंग करते हो या आप जुम्बा करते हो या आप जितना भी कार्डियो करते हो उसमें क्या होता है हमारी बॉडी ग्लूकोज का यूज करती है जैसे हमने जो भी खाना खाया हुआ होता है जो भी हमने खा रखा होता है सबसे पहले उसको बर्न किया जाता है अब जितनी भी कार्डियो एक्सरसाइज होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं ये चीज़ें और बहुत कम कैलोरी बर्न करती हैं अब उस टाइम पे तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा भूख फील हो रही है हाँ आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा आपको अच्छे से भूख भी लगने लगेगी आप एक्टिव भी रहेंगे ये चीज़ें हो सकती है मन फ्रेश रहेगा लेकिन उसको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा अगर फैट बर्न करना है कार्डियो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो इसलिए आपके पास टाइम कम होता है आप कार्डियोज में करते भी अच्छा फील भी करते हैं लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलता अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने मसल पे काम करो मसल पे कैसे वो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो अपने मसल की स्ट्रेंथ का यूज़ करो जब मसल एक्टिवेट होना शुरू हो क्योंकि आपके मसल नहीं जानते कि आपका जेंडर क्या है आप मेल हो फीमेल हो बूढ़े हो जवान हो वो कुछ नहीं जानते वो इतना जानते हैं कि अगर उनके ऊपर काम करना शुरू किया तो वो मजबूत भी होते चले जाएंगे और उनको मजबूत होने के लिए कैलोरी चाहिए एनर्जी चाहिए तब वो आपके फैट से खाने लगते हैं अगर डे बाय डे आप उनको मजबूत कर रहे हो तो मेटाबॉलिज्म आपको बहुत ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि आपके मसल बहुत ज्यादा कैलोरी खाते हैं आपकी तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ लेट के लेटे लेटे ना किसी डम्बल की जरूरत है ना किसी जिम की जरूरत है अब मैं ये लेट गई तो सबसे पहला मेरा स्टेप फोन भी मेरे साथ है मैं फोन देख रही हूँ कौन सा होना चाहिए अब आप ये कहेंगे हम रेपिटेशन तो नहीं कर पाएंगे अगर आप बोलोगी कि को उठाओ रेपिटेशन करो वो तो हम नहीं कर पाएंगे तो मैं ये भी नहीं कहूँगी आप आराम से फोन देखो और ऐसे लेग्स को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर उठा कर रखो इस तरीके से सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से करनी है ऐसे और अपने फोन में जो भी कर रहे हैं देखो आपकी मर्जी है पैरों को ऐसे रख सकते हैं या आगे पीछे खींच सकते हैं इस तरीके से उससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होएगा और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा और जब इस पोजिशन को कम से कम थर्टी सेकेंड के लिए आप मैंटेन करके रखते हो ऐसे धीरे धीरे आदत होगी एक दिन में आदत नहीं होगी धीरे धीरे आपको आदत होने वाली हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा तो जब आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो अपनी लेग्स का और ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहे हो तो एक तो देखो आपकी जो लेग की मसल है मजबूत होने वाली है चलने फिरने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक किलोमीटर दो किलोमीटर चलते हैं तो आप पाँच किलोमीटर दौड़ने लग जाओगे ठीक है और सबसे बड़ी चीज आपके पेट को आपकी आंतों को स्टमुलेट करती है ये पोजिशन आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और पेट की चर्बी को घटाने के लिए बहुत इफेक्टिव स्टेप है ये ये डेली करो ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने अपनी टांगों को ऐसे पुल करके रखा हुआ है और अगर आप 30 सेकंड से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक मिनट तक चले जाते हो फिर देखो कि आपका थाई फैट या बेली फैट कितनी जल्दी वो ख़त्म होता है तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया अब आप हल्का सा रिलैक्स फील करें और उसके बाद ये वाला फ़ोन देखते हुए ये वाला स्टेप करो ऐसे रखो लेग्स को सांस छोड़ते रहो लंबी लंबी सांसें छोड़नी है ऐसे पेट को बिल्कुल कर दे, और फिर भले बस ध्यान रखना है कि लंबी लंबी सांसें सांसें छोड़ो सांसे लो और फिर एक बार बीच में ऐसे कर लो फिर से ऐसे कर दो जब भी आपको याद आ जाए कि मेरी लैग्स ऐसे हैं उनको दोबारा से ऐसे कर लो फिर से ऐसे लिटा दो देखो जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो आपका पूरा स्टमक जो है जो बैली है वो अंदर की तरफ खींचता है पुश होता है जब आप सांस छोड़ रहे हो और ज़्यादा पुश होगा तो डे बाय डे जब आप करते जा रहे हो तो आपके बैली को आदत हो जाएगी अंदर की तरफ खींचने की एक तरीके से ये समझ लीजिए जैसे हम मिट्टी की दीवारें बनाते थे ना तो अगर हम उसको ऐसे पीछे की तरफ पुश करते जा रहे हैं पुश करते जा रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि वो पीछे की तरफ पुश हो ही जाएगी कंप्लीटली हो जाएगी ठीक है तो इसलिए हमारा जो स्किन के अंदर जो फैट पड़ा हुआ है वह एक तरीके से मिट्टी ही है उसको पुश करना है आपको तो वो अंदर की तरफ पुश होगी और जैसे ही वो पुश होगी मेल्ट होनी शुरू होगी आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं तो वो मेल्ट होके जब आप सांस से लेते हो और छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ रहे हो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसमें भी एक तरीके से आपका थर्मोजेनेसिस का काम शुरू हो जाता है यानी फैट बर्न होने का काम शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए सांस लेने और छोड़ने में भी तो इसलिए आपकी बॉडी थर्मोजेनेसिस शुरू कर देती है और आपका जो फैट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है जो लोग लेटे रहते हैं फ़ोन देखते रहते हैं उनको ये स्टेप जरूर करने चाहिए और इससे क्या होगा कि जैसे दिन भर आप लेटे हैं या मतलब ज़्यादा काम नहीं है तो उसमें आप एक्टिव भी हो पाएंगे आप लिथार्जिक भी फील नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप है को ग्रेविटी के अगेंस्ट नाइनटी डिग्री के एंगल पर उठा दीजिए ऐसे कम से कम थर्टी सेकेंड के लिए इसको उठा के रखिए जितनी देर आपको फील हो कि मैं थक नहीं रही हूं मैं उठा सकती हूँ उतनी देर उठा के रखना चाहे उसमें थर्टी सेकेंड हो फोर्टी सेकेंड हो या एक मिनट हो जाए जब आप पूरा थक जाए कि भाई लेग्स अब तो इससे ज्यादा पेन होएगा फिर आप नीचे कर ले नहीं तो उठा के कम से कम दो से तीन सेट आप इसके कर सकते हो और काउंटिंग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो कि वन टू अपने मन में कर सकते हो अगर नहीं काउंटिंग करना चाहते तो कम से कम थर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड या जब तक आप नहीं थकते इस तरीके से करके रखो और फिर नीचे कर लो जब आपको लगे कि भाई मसल आपके बर्न होने शुरू हो गए फिर नीचे कर लो अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज और जिन लोगों को कमर में दर्द होता है उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है इस तरीके से फ्लैट अपनी लेग्स को फ्लैट कर लो आप एक लेग को उठाओ और ऐसे साइड में और इस तरीके से अपना फोन चलाते रहो जो भी आपका काम हो और कंफर्टेबल जोन में आने के लिए आप पिलो भी रख सकते हैं इस तरीके से और ऐसे रखो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के रखो देखो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है खींचने की कोशिश कर रही है लेकिन हमने ऊपर उठाया हुआ है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप काम करना शुरू कर दोगे अपनी बॉडी के ऊपर तो मसल मजबूत होने शुरू हो जाएंगे अब आपके मसल काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंटेन करने में आपके मसल ही है जो कि इसको पकड़ के रखे हुए हैं क्योंकि तो ग्रेविटी हमेशा किसी भी चीज को नीचे की तरफ पुल कर रही होती है तो जितना भी आप इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा टाइम उतने आपके मसल मजबूत होंगे मसल स्ट्रोंग होंगे तो उनको एनर्जी चाहिए वो आपके फैट से खींचेंगे अब आप फोन देखते रहो और सांसें लेते रहो छोड़ते रहो अब दूसरी के साथ ऐसे ही जितनी भी टीनेजर्स हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं अब कभी कभी क्या होता है कि छुट्टियां आ जाती हैं पंद्रह दिन की एक महीना की जैसे गर्मियों की छुट्टियां ही लगा लो तो उसमें बड़ा लिथार्जिक फील करते हैं घूम कर भी आ जाते हैं फिर भी घर में लेटे हुए हैं क्योंकि काम कुछ ज्यादा है नहीं तो फिर उनका फैट बढ़ने लगता है तो मम्मियों की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई बेटा है बेटी है भूखा तो नहीं रख सकते ना अब फैट बढ़ रहा है उनका पढ़ाई का काम होता है उनको हम बिजी भी नहीं रख सकते कि भाई घर का काम कराएं उनसे तो उनके लिए ये बेस्ट है आप उनको ये सिखाइए उनके साथ करिए कि बेटे अगर आप पढ़ रहे हो ना बुक लेके पढ़ाई कर रहे हो फिर भी ये स्टेप मेंटेन करो कुछ टाइम के लिए चाहे कुछ सेकंड के लिए ही कर रहे हैं वो लेकिन उससे क्या होगा कि उनके मसल भी मजबूत रहेंगे वो एक्टिव भी रहेंगे लिथार्जिक फील नहीं करेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई करते वक्त उनको नींद नहीं आएगी और मजबूत तो बनेंगे बनेंगे फैट बर्न इजीली होगा उनका फैट गेन नहीं होगा अब नेक्स्ट इसके साथ ही देखो आप जिन लोगों की कमर में दर्द है वो एक घुटने को मोड़ के करेंगे और अब एक लेग को ऐसे सिंपल उठा लो उठा के रखो जितनी देर आप उठा सकते हो आपको लगेगा बहुत ही सिंपल स्टेप है इससे कहां फैट बर्न होगा लेकिन करके तो देखो सिर्फ 15 दिन कर लेना आपका कमी आपको खुद बता देगा जब वो अंदर की तरफ आपके कपड़े ढीले हो जाएंगे ना तब आपको लगेगा बहुत इफेक्टिव है ये करना तब आप मानोगे ये चीज लेकिन पहले आपको करके देखनी पड़ेगी अगर मानना चाहते हो तो अप्लाई अपने ऊपर ही आपको करनी पड़ेगी दूसरा आपको इतना नहीं बता सकता जितना आप खुद के ऊपर इफेक्ट देख के विश्वास कर सकते हो अब इसको जितनी देर आप थक नहीं जाते ये आपके मसल त्राही त्राही नहीं करती कि बस हो गया भाई बस हो गया आप छोड़ दो तब तक आपको इसको यहां पे होल्ड करके रखना है अब ऐसे आप नीचे भी रख सकते हैं जरूरी नहीं कि आप इतना ऊपर ही रखो आप ऐसे भी रख सकते हैं बस आपको ऊपर रखना है थोड़ा सा ग्रेविटी के अगेंस्ट अब मैं ऐसे भी बता सकती हूं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करने में आप डिस्टर्ब हो जाओगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फोन में ऐसा काम कर रहे हो कि भाई आपका दिमाग वहां पे लगा हुआ है तो आप डिस्टर्ब हो लेकिन इसको मेंटेन करने में हल्का सा आपको ऐसा तो फील होगा कि थक रहे हो आप ये फील होगा कि आपके मसल बर्न होने शुरू हो गए लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हो पाओ जो चीज कर रहे हो वो इजिली कर सकते हो आप धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अब दोनों लेग से भी कर सकते हो ऐसे और इसके बाद रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा सकते हो अपनी लैग्स को इस तरीके से हल्का सा ऐसे कर लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आप अगर ऐसा दिन में कम से कम दो से तीन बार कर लेते हो यकीन मानो बहुत ज्यादा कार्डियो करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 10-20 मिनट वॉक करके आ जाओ और दो से तीन बार ये स्टेप फॉलो कर लो लेटे लेटे ही आपको किसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपना जो बैली फैट है उसको इजीली बर्न कर सकते हो मुझे पता है लोगों का फैट बढ़ा हुआ होता है लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं खा रहे होते भाई उनका फैट कम ही नहीं हो रहा होता लेकिन कमी कहाँ पे रहती है कमी यहाँ पे रहती है कि वो ना जैसे लेट के काम करे बैठ के काम करे उनका ज्यादा काम लेट के या बैठ के होता है इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हार्ट रेट अप नहीं जा पाता जिसकी वजह से उनका जो फैट है वो तेजी से बर्न नहीं हो पाता तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है लेकिन मैं कहती हूँ लेटे लेटे ये वाले स्टेप कर लो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और जहां मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर इजीली आपका फैट बर्न हो जाएगा और एकदम एक्टिव रहोगे लिथार्जिक फील कभी नहीं करोगे उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी आप लाइक शेयर भी करेंगे अगर आप मेरे चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मिलती वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर